जब भी हम अपना पहला इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अक्सर हमारे मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहाँ से शुरू करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं SIP या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गया है, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। क्यों? क्योंकि SIP हैज़ द कैपेसिटी कि वो आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक बेहतरीन रिटर्न्स लाकर दे सके। और तो और, एज पर द AMFI डेटा, सिंस फरवरी 2018 म्यूचुअल फंड के AUM ने नियरली 78% का ग्रोथ दिखाया है और म्यूचुअल फंड का SIP हैज शोन 53% का ग्रोथ रेट। तो इससे हमें ये जरूर पता चलता है कि म्यूचुअल फंड का SIP भला कितना ज्यादा पॉपुलर है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ इन टर्म्स ऑफ हाउ आई प्लान माय इन्वेस्टमेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू SIP। और अगर आप अपना SIP शुरू करने जा रहे हैं तो इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स को आपको कंसिडर कर लेना चाहिए ताकि आप कोई भी गलत डिसीजन ना लें। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये SIP या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। तो जब भी हम SIP कहते हैं तो इट डज नॉट मीन कि ये सिर्फ म्यूचुअल फंड का ही SIP हो, ये नेसेसरी नहीं है, बल्कि SIP सिर्फ एक मोड है, एक जरिया है थ्रू विच यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी। और SIP से मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डेट पर एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते हैं एक फंड में। और जब हम म्यूचुअल फंड के SIP के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप हर महीने एक फिक्स्ड डेट पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर फंड में। अब ये जरा समझ लेते हैं कि जब भी आप अपना SIP शुरू करने जा रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। अब मैं शुरू करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। हाल ही में मैंने डिसाइड किया कि मैं एक फंड में इन्वेस्ट करूंगी, लेकिन तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर आज मैं अपना SIP शुरू करती हूँ ऑफ XYZ अमाउंट, लेट्स से 5,000 रुपीज, तो क्या मैं फ्यूचर में ये SIP कंटिन्यू कर सकती हूँ या फिर नहीं, क्या मेरे पास एक स्टेबल इनकम रहेगी तब या फिर नहीं। तो जब भी आप अपना SIP कर रहे हैं तो सबसे पहला ख्याल आपको ये आना चाहिए कि क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना SIP कंटिन्यू कर सकेंगे या फिर नहीं, क्या आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम रहेगा इन द फ्यूचर या फिर नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप ये फिगर आउट कीजिए कि क्या आपका जो इनकम आ रहा है अभी वो स्टेबल है या नहीं। अगर नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक पैसिव इनकम का जरिया भी ढूंढ सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट मेक श्योर कि आपका इनकम जो है वो आता रहे ताकि फ्यूचर में आपका SIP कभी भी बंद ना हो। आज मान लेते हैं कि आपने ये वीडियो देख लिया, मान लेते हैं आपके किसी दोस्त ने SIP किया है या फिर इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से आप इंस्पायर होकर ये डिसाइड कर लेते हैं अचानक कि ठीक है, लेट मी स्टार्ट माई मंथली SIP ऑफ ₹5,000। वॉट इफ ये 5,000 आप हर महीने इन्वेस्ट ना कर सकें तो तब क्या करेंगे? तो ऐसे में ये आप सबसे बड़ी गलती कर बैठेंगे इफ यू स्टॉप योर SIP बीच में, जिसका एग्जिट लोड भी लगता है और साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी नहीं होगा। तो ये आपको अवॉइड करना है। तो सबसे पहला आपको अपना इनकम देखना है कि आपके पास स्टेबल इनकम है, एनफ सेविंग्स है अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर नहीं। दूसरा, जब भी आप म्यूचुअल फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके NAV को कभी मत देखिए। मैंने ऐसे लोगों से भी बात की है जहां पर उनका थॉट प्रोसेस ये होता है कि ठीक है, इस म्यूचुअल फंड का NAV बहुत कम है तो लेट मी इन्वेस्ट इन दिस, या फिर इस म्यूचुअल फंड का NAV बहुत ही ज्यादा हाई है तो मे बी मुझे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे तो लेट मी इन्वेस्ट इन दैट। आपको बता दूं, ये दोनों ही थॉट प्रोसेस गलत है। बिकॉज जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जरूरी ये है कि आप उस फंड का पास्ट हिस्ट्री देखें कि कितना कंसिस्टेंटली वो रिटर्न्स दे रहा है, कितना बेहतरीन रिटर्न्स वो देता आ रहा है और साथ ही कितने समय से वो मार्केट में है, एग्जिस्ट कर रहा है और क्या वो मार्केट को बीट कर पाया है या फिर नहीं। जब भी मार्केट क्रैश होता है क्या वो उससे उभर पाया है और अच्छे रिटर्न्स दे पाया है या फिर नहीं। तो ये सारा चीज आपको एनालाइज करना है और ना कि ये देखना है कि उसका NAV क्या होता है। अब मिलिए गुंटी से। अब ये भाई साहब ये गलती करते हैं कि जब भी ये इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट सेम है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने इन्वेस्ट किया है लेट्स से फंड ए में, जो इन रिटर्न रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है, ITC में इन्वेस्ट कर रहा है, HDFC में इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, नाउ दिस पर्सन ऑल्सो इन्वेस्ट इन फंड बी,
जो रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है, HDFC में, ITC में, सेम पोर्टफोलियो। ये फंड सी में भी इन्वेस्ट करते हैं जो ITC, रिलायंस या फिर HDFC में ही इन्वेस्ट करता है, रीइन्वेस्ट करता है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, तो इसे मत कीजिएगा। एंड ऑलवेज मिक्स योर पोर्टफोलियो, यानी कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं फंड ए में, तो उसका पोर्टफोलियो एक सेक्टर में या फिर एक कंपनी में होना चाहिए। फंड बी में कर रहे हैं तो उसका सेक्टर और कंपनी अलग होना चाहिए। फंड सी, उसका सेक्टर और कंपनी अलग होना चाहिए। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अच्छे से डाइवर्सिफाई हो, ना कि सेम कंपनी या फिर सेम सेक्टर में ही रीइन्वेस्ट कर रहा हो। चौथा आपको ये करना है कि यू शुड नेवर नेवर स्टॉप योर SIP। आज अगर आप अपने SIP को स्टार्ट करते हैं तो आपको कंसिस्टेंटली ये मेंटेन करना होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की एंड इवन फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आज अगर आप सोचते हैं कि आपको एक नया SIP शुरू करना है, तो ये आपको मन में रखना होगा, दिमाग में रखना होगा कि आप ये SIP फॉर द नेक्स्ट 5 years, 10 years या फिर 20 years के लिए कंटिन्यू करना है, मेंटेन करना है और इन्वेस्ट करते रहना है। अगर आप सोचते हैं कि ठीक है भाई 3 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करूं और फिर अपने पैसे निकाल लूं, तो ये गलत होगा, क्योंकि SIP का मेन मकसद यही है कि ये आपको एक एवरेज रिटर्न दे सके और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे सके। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आपने SIP किया है और मान लेते हैं कि मार्केट एकदम क्रैश हो गया, मार्केट में इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, आप ये सोच के अपना SIP नहीं रोक सकते कि भाई मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर जिस फंड में मैंने इन्वेस्ट किया है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। वेल, यहाँ पे मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो कंसिस्टेंटली आपको 2 साल के लिए एक इंडेक्स बीटिंग रिटर्न नहीं देता है या फिर वो एक्सपेक्टेड बेंचमार्क रिटर्न नहीं देता है, तब इन दैट केस आपको अपने फंड को चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन आप कोई एक ऐसा हेज डिसीजन मत लीजिए कि हाँ एकदम क्विकली आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे और क्विकली आप किसी और फंड में चले जाएंगे, स्विच कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नेवर स्टॉप योर SIP अनटिल एंड अनलेस आपके पास पैसे ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप SIP करने का सोच रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकें। अब टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, मतलब ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये एक ऐसा इकलौता म्यूचुअल फंड है जहां पर आप इन्वेस्ट करते हैं और एक साल में आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन पा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, यानी कि 1.5 लाख आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस पर आपको कोई टैक्स भी नहीं भरना होगा। तो दिस इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड SIP। और अगर आपको जानना है कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप अपना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, या फिर आपको ये जानना है कि आप स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स को कैसे समझ सकते हैं, कैसे क्या बेसिक है उसका, उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप जल्द ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और वहां से सीखें कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ और बता सकते हैं कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे शुरू की और कहाँ से शुरू की। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।